कौन से क्वेश्चन में थे हम लोग? अच्छा, मिल्क वाला, ठीक है। सिक्स वाला हो गया था, सेवन में थे। ठीक द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 15.8 इयर्स। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन क्लास इज इतना, ठीक है, एंड द दैट ऑफ गर्ल्स इतना। ठीक है, सबका एवरेज एज, एवरेज एज, एवरेज एज दिया हुआ है। तो रेशियो बोला है नंबर नंबर ऑफ गर्ल्स का, तो बिल्कुल इजी सा सवाल है, बस प्लस माइनस करना पड़ सकता है। ओवरऑल क्लास का कितना है? 15.8। ओवरऑल क्लास का 15.8, बॉयज का कितना है? 16.4 है, 16.4 है। गर्ल्स का कितना है? 15। सबसे पहले चेक करना है कि ये जो वैल्यू है, ये इसका और इसका बीच का वैल्यू, तभी आगे बढ़ना। अगर नहीं है तो फिर नहीं सॉल्व होगा सवाल। ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों का? डिफरेंस इधर लिखेंगे कितना होगा? चार छ, ठीक है, 0.6 ही होगा ना? हाँ, 0.6। और इनका डिफरेंस कितना होगा? 0.4, मतलब 2:3 का रेशियो है। नंबर ऑफ बॉयज अगर 2 है तो गर्ल्स 3 है। इजी, ठीक है। सर। 8 नंबर। अ मर्चेंट सेल एक्स के जी सुगर एट 8% प्रॉफिट, वाई के जी 18% प्रॉफिट, और बोला है होल प्रॉफिट इसको 14% का हुआ, तो किस रेशियो में मिलाया होगा? देखो यहाँ पे तीनों परसेंट प्रॉफिट 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 दिया हुआ है। एक में 8% प्रॉफिट, एक में 18% प्रॉफिट, ओवरऑल 14% प्रॉफिट। डिफरेंस क्या है? 6:4। रेशियो क्या होगा? 2:3। दो पहला वाला 2 मिलाया, दूसरा वाला 3 नहीं मिलाया तीन होगा। और इसको नॉर्मल वे में सॉल्व सॉल्व करेगी क्वेश्चन बना के तो बहुत दिक्कत होगा। अगर ये एलिगेशन भी निकाला है, बहुत ही अच्छा मेथड। टू सॉल्यूशन ऑफ 90% एंड 74% प्योरिटी आर मिक्स रिजल्टिंग इन 21 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ 94% प्योरिटी। हाउ मच इज द क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन इन द रिजल्ट? देखो बोला है कि एक सॉल्यूशन है जिसका प्योरिटी 90% है। ठीक है, एक सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, इसका 90% प्योरिटी है, 90% प्योरिटी, इसका 97 है, और जब दोनों को मिला देता है तो उसका प्योरिटी 94 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का वैल्यू है, ये हो गया 4, ये हो गया 3, मतलब 3:4, मतलब तीन अगर सॉल्यूशन वन ए का लिया है तो सॉल्यूशन बी का 4 यूनिट लिया है। तो बोला है, क्या बोला है कि जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसमें फर्स्ट सॉल्यूशन का रेस कितना, मतलब 21 लीटर बना है फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, 21, तो पहला सॉल्यूशन का कितना होगा उसमें? 3/7, मतलब 9 लीटर पहला सॉल्यूशन मिला है, दूसरा है कितना? 12 लीटर आया। चलो 9 के बाद अगला सवाल 10 देखो। द एवरेज वीकली सैलरी पर हेड ऑफ अ एंटायर स्टाफ ऑफ अ फैक्ट्री कंसिस्टिंग ऑफ सुपरवाइजर्स एंड लेबर इज 60। मतलब सुपरवाइजर्स का सैलरी तो बहुत ज्यादा होगा, लेबर का थोड़ा कम होगा, बट दोनों का जो मिलाते हैं एवरेज 60 रुपीज का आता है। बट सुपरवाइजर सैलरी 400 है और लेबर का सैलरी 56 है। ठीक है, बोला है कि 12 सुपरवाइजर है तो लेबर कितना होगा? ओके, देखा जाए तो सवाल में ही दिमाग घूम जाएगा आदमी को, अगर एलिमिनेशन मेथड स्ट्राइक नहीं करता है कि हम लोग मिक्सर एलिगेशन वाला मेथड से इसको बना पाए। ठीक है, तो दो मिक्सर एलिगेशन वाला में क्या कि दोनों को मिला के एक दिया होगा, यार इस चीज को ध्यान देना सबसे पहला बात। ठीक है, दोनों को मिलाकर 60 दिया हो तभी हमको लोग का समझ में आएगा मिक्सर एलिगेशन लगाना है। इसका एक स्टार्ट है, सुपरवाइजर का सैलरी 400 है और लेबर का सैलरी 56। देखो ये दोनों के बीच का वैल्यू है, ये हाँ। ये कितना आ जाएगा मेरा? 340
इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों डिफरेंस, ठीक है। हाँ, दो से एक बार में, दो से 170 बार में, दो से ये एक बार में, दो से कितना बार में जाएगा, 85, ठीक है। तो बोला है कि इस हिसाब से सुपरवाइजर और लेबर का रेशियो क्या निकला, 1:85। बट बोला सुपरवाइजर 12, ठीक है, सुपरवाइजर बोला है 12 है, तो सुपरवाइजर को अगर हम 12 बनाते हैं, 12 इंटू कर देंगे, तो इसको भी 12 इंटू करना पड़ेगा, 85 × 12, जो भी आएगा आंसर वो 85 × 12 कितना होगा, 850, और 85 870, 0, 7, 5, 12, हाथ में 1, 8, 9, 10, 1020 लेबर होगा, 1020, 1020, ठीक है। Yes, हाँ वही निकाले, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये सब टफ क्वेश्चंस के लेवल में आते हैं, बट एलिगेशन मेथड से ये सब आसान बन जाते हैं। और सबसे बड़ा बात है स्ट्राइक करना, एग्जाम में तुमको स्ट्राइक कर गया कि हाँ इसको एलिगेशन मेथड से बनाना, तो समझ लो तभी वो सॉल्व हो पाएगा इजली, नहीं तो फिर लग रहा था क्या चमकना चाहिए। अच्छा, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ टी वर्थ 60 kg, 65 kg, सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सर एट इतना, ठीक है, गेन 10% का होना चाहिए, ठीक है। तो एक और चीज हम लोग क्या देखते थे कि ये जो कंबाइंड वैल्यू आता था, इस दोनों के बीच का आना चाहिए, दोनों के बीच का है नहीं, नहीं। तो एलिगेशन लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे बेबी, चलो देखो कैसे लगेगा। ये क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस, ये क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और ये है मेरा सेलिंग प्राइस, ऐसा कभी अपना नहीं, सब में सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो 10% प्रॉफिट कमाया है, तो इसको भी सेलिंग प्राइस हम बनाते हैं तो 66 हो जाएगा, इसको भी सेलिंग प्राइस बनाएंगे 65 का 10% बढ़ाएंगे तो 65 और 6.5, 5, 1, 71.5, तब ये भी एसपी कितना हो जाएगा मेरा 68.2, ठीक है, तीनों एसपी रहना चाहिए मेरा। Yes, तो अब देखो कितना डिफरेंस आएगा इन दोनों का, तो 66, 68, 2.2, और इधर से कितना जाएगा, 5 से 2 जाएगा 3, 1 से 11 से 8 जाएगा तो 3, और 6 से 6 जाएगा 3.3, मतलब रेशियो निकलेगा मेरा 3:2 का, ठीक है, मतलब पहला को 3 यूनिट मिलाना होगा, दूसरा को 2 यूनिट मिलाना होगा। आया, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, अगर अगर सीपी सीपी ले रही है तो तीनों को सीपी लेना, एसपी 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 ले रही है तीनों को एसपी लेना, ठीक है। यही यहाँ पे घुमाया था 10% प्रॉफिट का वाला मामला में, तो जब 10% प्रॉफिट कमाया है तो इसको भी 10% बढ़ाना होगा, इसको भी 10% बढ़ाना होगा, दोनों का एसपी से एक फाइनल एसपी निकालेंगे, बारह नंबर। ए मैन इन्वेस्ट 1000 इन टू स्कीम्स ए एंड बी एट 6% and 8% respectively. If he gets interest ₹75 from both the schemes, what amount he invests in scheme B? मतलब 1000 रुपये किसी के पास है पैसा, ठीक है, वो कुछ पैसा A में पहला स्कीम में लगाया और कुछ पैसा दूसरा स्कीम में लगाया, तो जो पहला स्कीम में लगाया उसको 6% का उसको प्रॉफिट मिलता है, और जो दूसरा स्कीम में लगाया है उसमें उसको 8% का प्रॉफिट मिलता है, बट ऐसा ये प्रॉफिट कमाता है 75, तो बताइए कितना रुपया वो किस स्कीम में लगाया है, ठीक है।
हाँ, तो इसको भी एलिगेशन से ही बनाएंगे हम लोग। देखो तो इसके अगर ऐसा रहेगा ना कि मतलब दो स्कीम है या फिर दो जगह इन्वेस्ट किया है, तो मान लो कि पूरा का पूरा 1000 रुपया वो 6% का रेट पे इन्वेस्ट करता, तब इसको कितना प्रॉफिट मिलता? 60 रुपया इंटरेस्ट मिलता। मान लो पूरा का पूरा पैसा वो 8% में डालता तो उसको कितना मिलता? 80 रुपया। ना ही उसको 60 मिला, ना ही उसको 80 मिला, उसको मिला 75। यहाँ से डिफरेंस कितना, यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 का। मतलब पहला यूनिट में लगाया तो दूसरा में 3 लगाया, ठीक है। तो बोला है स्कीम बी में कितना लगाया है? स्कीम बी में लगाया है 3 out of 4, 1000, ठीक है, मतलब 750 स्कीम बी में लगाया है और 250 स्कीम ए में लगाएगा। ये सब बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछता ही पूछता है, फ्यूचर में भी तुम्हें कहीं ना कहीं सामना होगा। आया कि नहीं आया? समझ गए। मेन एलिगेशन मेथड को यूज करने के लिए तुम क्लैरिटी होना चाहिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13, ₹1500 वाज पार्टली लेंट ऑन 5% रिमेनिंग 8% सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 1500 रुपए में कुछ भाग वो 5% सिंपल इंटरेस्ट में लगाया है और उसका कुछ पार्ट 18% लगाया, ठीक है, इंटरेस्ट 8% इंटरेस्ट पे लगाया। अब बोला जब टोटल दोनों से, दोनों इंटरेस्ट मिलाता है, दोनों से जब इंटरेस्ट मिलाता है 270 रुपए कमाता है वो 3 साल में, तो बताइए 5% में कितना लगाया था? ठीक है, 5% में वो कितना लगाया होगा? सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं पूरा का पूरा 1500 रुपया वो 5% में डाला, 1% 75 रुपया वो डाल दिया 5% का रेट, तो 8% का रेट में कितना डाला होगा? 90 रुपया। मतलब 90 रुपया इंटरेस्ट कमाया होगा। हाँ, हाँ। नहीं, 15 पे गलती हो जाएगा हमको लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि 270 रुपया है साल के लिए, तो एक साल के लिए कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ पे 90 नहीं आया, क्या ये 3 साल का है ना ये? बट यहाँ पे हम लोग एक साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये एक साल का ये है, तो इसको भी एक साल का होना चाहिए, तो इसको भी एक साल का होना चाहिए। क्या ये थोड़ा सा गलती लग रहा है, सवाल में ही गलती है। 8% 15% पार्टली लेंट एट 5%, तो उसको कितना, 15 का 5% निकालेंगे तो हमारा 90 आ गया डायरेक्ट, ये हमारा 75 आ गया, ठीक है। अब उसका 8% निकालेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगी। कुछ ना कुछ इसमें गलती है सवाल में। 270 जब 3 साल के लिए उसको लगाया है तो अभी ठीक है, तो एक साल के लिए, क्योंकि सब हम लोग कंप्लीट एक साल के लिए कर रहे हैं, क्या 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? किसको करेंगे? मतलब वो जो मनी है वो ऐसा ही है ना, तो हम लोग SI और SI को इक्वेट करेंगे ना, तो पहले 5% का SI निकालेंगे, फिर 8% का SI निकालेंगे। नहीं नहीं और फिर नहीं, 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 तो एक साल के लिए है ना? हाँ, तो यार एक साल सॉरी, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई गलत किए ना, 90 होगा ना, 120 होगा ना, 15, 6 या 90 होता है ना? 50 या, हाँ
वही सोचा कि कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हम कर रहे हैं, सवाल गलत है। देखो अगर वो 5% का रेट पे डालता है तो 75 रुपया उसका इंटरेस्ट निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट में। देख लो तुम कैलकुलेट करके देख लो, 5% का रेट पे डालेगा तो इतना सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 75, 8% देगा तो 180 एक साल के लिए, तो 270 रुपये 3 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 90 हो जाएगा, तो 90। अब देखो ये दोनों के बीच का वैल्यू भी आ गया, तो उससे हम लोग इस मेथड यहाँ पे चलो कंफ्यूजन हुआ, यहाँ से क्या पता चला कि जो तरीका हम लोग डेवलप किए थे कि इस दोनों के बीच का ये वैल्यू होना चाहिए, तो उससे हम लोग को पता चला कहीं गलत सॉल्व कर रहे हैं सही सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो इसका डिफरेंस कितना, इसका डिफरेंस कितना 30, मतलब 2:1 पे, 2:1 पे बांटा गया है, ठीक है। तो 5% पे कितना डाला, 5% पे कितना डाला, 1500 मतलब 1000 रुपये डाला है, 500 रुपया हमारा 8% पे डाला है, मतलब 1500 का कितना 2/3, इस जगह 500 बार में, इस जगह यहाँ पे 2000, मतलब सॉरी 1000। बहुत खतरनाक कैलकुलेशन हो गया। हमारा निकला क्या था, 2:1 निकला था, तो 5% का बोला है, तो 1500 का 2/3 इससे जाएगा ये 500 बार में इक्वल टू 1000 आंसर। 600 600 कहाँ कर दिए तुम, नहीं 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 ठीक है, हाँ कुछ नहीं ठीक है, तुम लोग माफ रहता है थोड़ा मोड़ा मिस्टेक, ठीक है, स्टूडेंट लोग को माफ रहता है ना, एग्जाम में माफ हो जाएगा। इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000, द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीजेस बाय 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली, एंड कंसिक्वेंटली द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम्स 5600, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज। जो वैल्यू इंक्रीज करने के बाद एक वैल्यू दिया हुआ है, क्या दो वैल्यू इंक्रीज किया है और फाइनली एक वैल्यू इंक्रीज करके दिया है, ठीक है। अगर मान लो पूरा का पूरा जो जो पॉपुलेशन है मेल और फीमेल दोनों होगा इस पॉपुलेशन में, मान लेते हैं पूरा का पूरा अगर मेल रहेगा, हाँ बोलो, आपका स्क्रीन गायब हो गया है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 14 में, आपके यहाँ लाइट कटा हुआ है, विजिबल है, हाँ लाइट कटा हुआ, अब आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 में थे, 14 देखो अगर हम यहाँ पे क्या बोला, टोटल पॉपुलेशन जो है विलेज का इतना है 5000, मेल 10% बढ़ा और फीमेल 15% बढ़ा, और बट ओवरऑल बढ़ के 5600 हुआ है, तो मान लेते हैं कि पूरा का पूरा अगर मेल रहेगा तो इंक्रीज कितना होगा, 5000 500 हो जाएगा 10%, और अगर पूरा का पूरा फीमेल फीमेल रहती, ठीक है, तब कितना होता 750 होता, बट ओवरऑल बढ़ा है 600, 5,000 का 56 बना, ये हो गया 100, ये हो गया 150, मतलब 3:2 बोला है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज, व्हाट वाज, ठीक है, तो 3/5 × 5000, मतलब 3000 मेल थे गांव विलेज में, ओके ठीक है, यस सर, आया ना समझ में, चलो अगला सवाल, Jack has some hens and horses in a farm. If number of head is 96 and the total number of feet is 280, what is the number of horses on the farm? सवाल को पहले समझ लें क्या बोल रहे हैं। The total number of feet is 280. Obviously, number of horses in the farm. बनेगा? हाँ हाँ बनेगा, रखिए मैं बनेगा, नहीं बनेगा दिमाग घूम जाएगा,
अब स्कूल वाला तरीका से बनाएगी तो नहीं ना काम चलेगा। अब बिना स्कूल वाला बनाएगी तो अभी तक बन के आंसर आ जाना चाहिए। देखो मान लो अगर हेंस एक्स और अगर हॉर्स वाई, तो एक्स प्लस वाई मिला के 96 होगा, क्योंकि जितने होगा। जितना होगा उतना ही उसका सर होगा, हेड होगा, जितना हॉर्स होगा उतना ही उसका सर होगा, तो दोनों का सर मिला के 96 होना चाहिए। अब जितना हेन होगा उतना उसका डबल एक्स पैर होगा, हॉर्स होगा तो 4 वाई पैर हो जाएगा, इसको मिला के 280 है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक अच्छा है? तो जब यही सॉल्व करना था, ट्यूशन लेने का तो कोई फायदा हुआ नहीं, तो ट्यूशन लेने का फायदा अब लो, ठीक है? देखो मान ओके। लो कि 96 96 टोटल एनिमल्स है। 96 में अगर 96 में अगर पूरे हेन रहेंगे तो सबके पास 2 पैर रहेगा, तो कितना हो जाएगा? हाँ 6 6 12, 1 9 9 18, 1 19, 192, इतने लेग्स। और अगर मान लो सभी हॉर्सेस हो जाएगा तब कितना लेग होगा? 2 2 4 अच्छे 3 8, ठीक है? चार। बट एक्चुअल में है 280, ना ही इतना पैर है ना इतना ही इतना पैर, इतना पैर इतना है। बोलो क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक, गलत आंसर आ गया होगा, इसलिए कुछ नहीं कर रही है। 8, फिर 7 1 8, 88 यहाँ पे आया, ठीक है? अरे तो जीत था, ठीक है? इधर से कितना आ जाएगा? 84, कितना 94, 104, ठीक है ना? 4 0 1, ये रेशियो निकला, किससे कटेगा? 2 से जाएगा 51 बार, नहीं 2 से जाएगा 52 बार में, 2 से जाएगा ये 44 बार में। 44, फिर 2 से फिर जाएगा 2 26 और 22, इधर की तरफ करते हैं, कितना जाएगा ये? 2 से जाएगा मेरा 26 और 2 से जाएगा 22, फिर 2 से जाएगा ये 13, 4 से2 से जाएगा डायरेक्ट 11, क्या डायरेक्ट 4 से काट। ये? ठीक है, तो उतना हम थोड़ा थोड़ा करते हैं। 13/11 का रेशियो आया, तो नंबर ऑफ हॉर्सेस कितना होगा? तो हॉर्सेस का क्या है? 11 है, 11 आउट ऑफ 13 10 23 24, 24 नंबर ऑफ हेड्स 96, ये जो आएगा वही आंसर। चार फोर्टी फोर हॉर्सेस हो गया क्या? फोर्टी बार में, हाँ 44 हॉर्सेस। अब मान लो हेन बोलता कि हेन उसे माइनस कर देती, ठीक है ना? हॉर्सेस हो गया क्या? 11, इसको क्या किए हम लोग, 11/24 × 96 किए। अगला सवाल, 16 नंबर, असम ऑफ 55, असम ऑफ ₹55 डिवाइडेड अमंग 150 चिल्ड्रन, 150 चिल्ड्रन में बांटना है, ए को 50 पैसा मिलना है, मतलब लड़की को 50 पैसा और लड़के को 25 पैसा, ऐसा अन्याय हो गया, ठीक है? देना नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, ठीक है? ₹55 बांटना है, तो सब जगह ध्यान देना, यहाँ पे भी रुपीज होगा, इस जगह पे भी रुपीज होना चाहिए, इस जगह रुपीज होना चाहिए, तीनों यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है? तो मान लो यस 55 रुपया बांटना है, मानना क्या ही बोला है, पूरा का पूरा अगर गर्ल्स रहेगी, अगर 150 गर्ल्स रहेगी और सबको 50 50 पैसा दिया गया, तो कितना दिया गया? 75 रुपया।
और अगर मान लो 150 का, 150 बॉय रहेगा तो उसको कितना पैसा जाएगा? 75 का 37.5 जाएगा, ठीक है बॉयज को। बट गया है एक्चुअल में 55 रुपया, ठीक है। ये गर्ल्स का था ना, देखो तो गर्ल्स को हम, गर्ल्स का क्या हमारा आया, गर्ल्स का 75, गर्ल्स का यहाँ पे 75, बॉयज का 37.5। ना ही इतना बटा है ना ही इतना बटा, बटा कितना है 55। इसे नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का रेशियो पता चल जाएगा। तो करो कैलकुलेट कैसे होगा। ये इधर से आ जाएगा मेरा 0, 20, ठीक है। और 37 से, अच्छा 10, 5, 15, 15 दो 17.5, ठीक है। तो 175/200 करते हैं पॉइंट हटाने के लिए। 25 से जाएगा ये 8 बार में, तो 25 से जाएगा ये 7 बार में, 7:8। इधर गर्ल्स का था और इधर बॉयज का था, तो बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है मेरा, 7 out of 15 आउट ऑफ 150। टोटल 150 स्टूडेंट थे। 15 से जाएगा ये 10 बार में, मतलब 70 गर्ल्स है। आपका स्क्रीन वैसे फिर से गायब हो गया है। पता नहीं स्क्रीन का है गायब हो जाता है। आया अभी देखो तो। साइड वाला, हाँ साइड में दिखाता है ना, उसमें स्क्रीन है, उसमें चेंजेस भी दिखा रहा है, पर नहीं दिखा रहा है बड़ा वाला उसमें। अभी कॉपी दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नहीं नंबर 17, ठीक है। पेज नंबर 8, फिर सेवेंटी से बैक करके जाना। ताकि वो भी गायब हो गया, जो सॉल्व किए वो दिखा के वो भी गायब हो गया। नहीं, वो तो दिख गया। ठीक है, तो 16 का आंसर कितना आया, 70 आया था ना। चलो 17 नंबर आप देखते हैं, फिर वही कॉइंस वाला सवाल है। असम ऑफ 36.90 इज मेड अप 180 कॉइन है टोटल। चलो इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो अगर मान लो 180 कॉइन है और पूरा पूरा 10 पैसा का है, तो 180 का कॉइन है पूरा 10 पैसा का, तो रुपीज में कितना हो जाएगा, 18 रुपीज। 180 कॉइन है अगर पूरा मेरा, पूरा अगर हमारा 25 पैसा का है, तो रुपीज में वैल्यू कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो 18, 45, और एक्चुअली में कितना है, 36.90, ठीक है। ये दोनों के बीच का वैल्यू भी है, कितना आ जाएगा, 18.9, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 5 और 9, 9 नहीं, 8.1 आएगा ना। 18.90 ये 45, अच्छा सॉरी, हाँ ये तो ठीक तो किए है। 36.9 - 18, 18.9 तो है, और 45 से जब हम 36.9 करेंगे तो 8.1, ठीक है। तो नाइन्स, अच्छा इसको हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन चेक करने के लिए, इसको 81 कर देते हैं, इसको 189 कर देते हैं, पॉइंट हटा दिए। 9 से जाएगा 9 बार में, 9 से जाएगा ये 21 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 7 बार में, मतलब 10 पैसा का 3 का है तो ये 7 होना चाहिए, ठीक है। बोला है कि 10 पैसा कॉइन कितना है, 3 है,
आउट ऑफ 10 है इनटू 180 कॉइन है, 18 + 54 मतलब 54 पीस हमारा 10 का कॉइन है, 54 पीस हमारा 10 का कॉइन है, ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आया ना? हाँ, तो मिक्सर एलिगेशन अब तो सर, अब ये जो मिक्स एलिगेशन वाला मेथड ये भी थोड़ा क्लैरिटी हो गया होगा कितना देर में। हाँ। 18 नंबर, अ मिक्सर कंटेन्स स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो 5:1, अनदर मिक्सर कंटेन्स स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो इन विच टू मिक्सर आर एडेड टू गेट द मिक्सर इन द रेशियो 5:2। अब इसमें रेशियो 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 दिया सब जगह, मगर इतना तो पता है दो को मिक्सर को मिला के तीसरा बनाया। तो अब जब ऐसा रेशियो वाला अगर रहेगा तो उसका क्या तरीका, उसको देखो। इसमें पहला इसका जैसे सिर्फ स्पिरिट स्पिरिट लो, वाटर का मत लो, स्पिरिट का क्या है 5/6 है, इधर कितना है स्पिरिट का 2/3 है, मिलने के बाद क्या होगा 5/7 होगा, ठीक है। यस सर। तो इससे इसको घटाएंगे कितना आएगा 5/6 - 5/7, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 5/42 इसका रेशियो आया। अब 2/3, अच्छा 5/7 - 2/3 ये हो जाएगा 21, ये 3 × 5 = 15 और इस जगह से 7 × 14 मतलब 1/21, ठीक है। तब इन लोगों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए 1/21 डिवाइडेड बाय 5/42, तो 1/21 इंटू 42/5, ठीक है। इससे जाएगा दो बार में, मतलब ओवरऑल जो रेशियो मेरा निकला 2:5, ठीक है। तो यही आंसर है, बोला किस रेशियो में मिला है, तो बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन विच टू मिक्सर एडेड टू गेट द इतना। तो पहला मिक्सर को अगर 2 यूनिट उठा रहे तो दूसरा मिक्सर को 5 यूनिट उठाना होगा, ठीक है। हाँ। रेशियो वाला और भी क्वेश्चन अभी मिलेगा, इसे सॉल्व होगा। देखो, टू बीकर्स कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 2:3, 3:4, इफ मिक्सर इन द टू बीकर्स ऑफ इक्वल क्वांटिटी इज पोर्ड इनटू अ कॉमन वन द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ एसिड ऑफ, देखो अब इसमें हमारा फिर से ये नहीं बोला है, मतलब इसमें एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। इसमें हमारा फाइनल एक एक जब दोनों को मिक्स क्वांटिटी वाला तो नहीं ना दिया है, उसका रेशियो देता था ना हम लोग, सबसे पहले देखना है कि, तो हम लोग का वैसे कॉम्बाइन वैल्यू दिया ही नहीं, तो आप नहीं लगा पाएंगे हम लोग, तो आप एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बनाते हैं। तो ऑर्डिनरी मेथड क्या होगा, देखो ये 2:3 का रेशियो है, 2:3 का रेशियो है, ये कितना है 3:4 का रेशियो, टू बीकर्स कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो इतना इतना, इफ मिक्सर ऑफ इक्वली इक्वल क्वांटिटी, दोनों को इक्वल क्वांटिटी उठाया, तो ये टोटल कितना 5 यूनिट है ना, 2 और 3 = 5 यूनिट, ये कितना 7 यूनिट, इसको करते ऐसा करते हैं 5 कर देते हैं, इसको 7 कर देते हैं, इसको भी 7 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 7 से, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, तो ये 35 यूनिट बन गया, ये 35 यूनिट बन गया। हाँ। तो दोनों क्वांटिटी बराबर हो गया। यस सर। तो ये क्या है हमारा, ये एसिड है, ये वाटर है, तो पहला सॉल्यूशन में एसिड कितना है मेरा 14 लीटर, वाटर कितना है 21 लीटर, दूसरा में एसिड कितना है 15 लीटर और वाटर कितना है 20 लीटर, जब मिला देंगे तो कितना होगा, दोनों को मिला देंगे तो 15 और 14 29 हो जाएगा और 41, ये नया रेशियो निकल जाएगा हमारा जब दोनों को मिलाएंगे। आया ना समझ में, थोड़ा सा
जब बोले कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, तो हम लोग बनाए ना सारा सवाल, तो बार बार बनाते बनाते हम लोग पता चल जाता है इसको इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। देख लो कहीं समझ में नहीं आया तो। इसमें हम लोग एलिगेशन क्यों नहीं, पहला बात है एलिगेशन हम लोग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम लोग कॉम्बाइंड कोई रेशियो नहीं दिया हुआ कहीं पे, ठीक है। तो पहला 2/3 है, दूसरा 3/4 है, बट बोला दोनों इक्वल क्वांटिटी में, तो इक्वल क्वांटिटी बनाना होगा ना। इक्वल क्वांटिटी बनाने के इसको हम लोग, इसमें टोटल 5 यूनिट था, टोटल 7 यूनिट था, तो दोनों को हम 35 यूनिट करके बराबर कर दिए। ठीक है, यस सर। अरे चलो चलो जाओ 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 परेशान कर देता है सब। चलो शांति हो। हेलो, बहुत डिस्टर्ब है से क्लास लेने में। हेलो, यस, कौन से क्वेश्चन में थे हम लोग? हम लोग 17 क्वेश्चन में। ये तो बना लिए थे ना, 17 बना लिए, 19 बना लिए, ठीक है। हाँ, हाँ, 20 नंबर बात है। 20 ये कैन कंटेन अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो इतना, व्हेन 25 लीटर ऑफ मिक्सचर एंड ड्रॉन ऑफ एंड कैन इज फिल्ड विद बी द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम 7:9 How many liters of liquid A was contained by the can initially? देखो ये कोई एक मिक्सर है जिसमें पहला कोई दो क्वांटिटी होगा A और B, तो A 7:5 में, दूसरा 5:5 में, ठीक है। बोला when 24 liter of mixture and drawn off, ठीक है, drawn off and can is filled with B, मतलब मान लो A water है और B मिल्क है, कुछ भी है, तो 24 लीटर मिक्सर है, तो 24 लीटर मिक्सर में कितना हमारा ए का क्वांट, देखो सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे समझ में आएगा सवाल क्या कहना भी चाह रहा, सॉल्व भी कैसे होगा। ए का क्या होगा मेरा 7 out of 12 out of 24, मतलब ए हो जाएगा मेरा 14 लीटर और बी कितना हो जाएगा मेरा 10 लीटर। हाँ, अगर 24 लीटर ये है तो रेशियो ये है तो, ठीक है, तो मेरा ए हो गया 14 लीटर और बी कितना हो गया मेरा 10 लीटर। फिर क्या बोला, ड्रॉन ऑफ 24 लीटर ऑफ मिक्सचर एंड ड्रॉन ऑफ एंड कैन बी कैन इज फिल्ड विद बी द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम 7:9। कितना बाहर जा रहा, मतलब सॉरी ए भी करते हैं, अगर मान लो ये ए है और अगर ये बी है,
तो इससे मेरा 14x बाहर जाएगा, 14 लीटर बाहर जाएगा, और इससे कितना जाएगा बाहर, इससे 10 लीटर जाएगा बाहर, और उसका फिर 10 लीटर जाएगा और 24 लीटर आ भी जाएगा, तब ये मेरा रेशियो 7:9 का होगा। देखना समझना इसको, जितना हम लोग जितना क्वांटिटी निकाले उतना बी का क्वांटिटी मिला है उसमें। तो देखो अगर ए और बी है दो, हमारा दो मतलब लिक्विड है, तो जब अगर 24 लीटर निकाला है तो इसका मतलब 14 लीटर ए कम हो गया है, मेरा ए कितना है वो तो नहीं पता है, तो अगर 24 लीटर निकाला तो 14 लीटर ए कम हुआ है, क्योंकि 7:5 का रेशियो है, तो बी 10 कम हुआ है, बट जितना निकाला है ना उतना फिर से उतना ही नहीं डाला, उतना डाला है बट बी का डाला है, तो बी 24 लीटर बढ़ गया है। ठीक है, तो अब फिर बोला हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेंड बाय द कैन इनिशियली, सॉल्व करो इसको कितना आता है ए और बी का वैल्यू, इसमें से भी हम लोग एक और चीज हो जाएगा, इसको क्या करो ना, इसको हम लोग एक एक साथ मानना पड़ेगा ना, ए और बी को भी हम लोग इस रेशियो में चेंज ही कर देते हैं। देखो इसको हम लोग और सिंपलीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो ए और बी को भी हम लोग रेशियो में चेंज कर देते हैं। मान लो ए कितना है मेरा 7x है, बी कितना है 5x है, इसमें से मेरा 14 लीटर निकला है, इसमें से 10 निकला है, और फिर 24 आया, तो ऐसा करने पर 7/9 आया, इससे मेरा एक्स वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि फिर बाद में हमको बोला है ना कि रेशियो ए और बी का रेशियो नहीं निकल, ए और बी का रेशियो दिया ही हुआ है, हमको बोला फाइनल क्वांटिटी निकालिए कि इनिशियल में कितना था, तो कितना हो जाएगा 7x-14 और 5x+14 ना, इक्वल टू 7/9, सॉल्व करो इसको क्या होगा, ऊपर 7 से ऊपर 7 कॉमन निकालो, तो x-1 हो जाएगा इक्वल टू 7/5x+14/9, तो 7 से 7 कट जाएगा, अब 9 इंटू करते हैं 9x-9, तो 5x+14, तो फिर ये जाएगा मेरा 9 से 5 जाएगा तो 4x, और 14 और 9 कितना हो जाएगा 14 24 24 से 1 कम 23, कहीं गलती हो रहा है मेरा कैलकुलेशन में, देखो कॉपी में भी तुम सॉल्व करो, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक मेरा हो रहा है। अच्छा यहाँ पे सॉरी, इस जगह 2 होगा ना, जब हम निकालेंगे कॉमन निकालेंगे 2 होगा ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, yes. ये 18 हो जाएगा, 14 और 18 8 4 12 32, ठीक है, ये 18 है, 18 और 14 32, तो x इसको मेरा 8, ठीक है, x इक्वल टू 8, हमको निकालना क्या बोला था, लिक्विड ए का क्वांटिटी, तो ये लिक्विड ए का क्वांटिटी कितना था 7, तो 7 × 8, ठीक है 56 लीटर, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ, ठीक है, अच्छा सॉल्व करने में तो ऐसा होता है, ठीक है। अब जो है आप ज्यादा माथा दर्द नहीं, दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस पे बनाना है सवाल,
याद करना, एग्जाम में पूछता है ये फॉर्मूला से। देखो दो ही सवाल बचा हुआ है, 21 और 22। 5 लीटर मतलब कोई सॉल्यूशन है 50 लीटर का, ठीक है। 5 लीटर निकाला, ठीक है। सवाल को देखो, 5 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम अ कंटेनर कंटेन्स 50 लीटर स्पिरिट, मतलब कोई एक कंटेनर है जिसमें टोटल 50 लीटर स्पिरिट भरा हुआ है, उसे 5 लीटर निकाल लिया गया और उसको पानी मिला दिया गया, समझ में। मतलब एक कंटेनर है इसे पूरा फुल ऑफ स्पिरिट है, 5 लीटर निकाला स्पिरिट और 5 लीटर इसमें वाटर डाल दिया, तो मतलब ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया। हाँ। बट ये ऐसा एक बार नहीं किया, ऐसा दो बार किया। बोला है दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड वन मोर टाइम, ठीक है। तो बोला है कि आप जब ऐसा करने के बाद उस कंटेनर में कितना स्पिरिट बचा है बताइए, पहले सवाल को समझ लो क्या। हाँ। एक कंटेनर है इसमें स्पिरिट है, कुछ अमाउंट निकाला 5 लीटर निकाला और 5 लीटर वाटर डाल दिया, स्पिरिट कुछ कम हुआ होगा, ठीक है। और फिर क्या क्या, फिर से इसमें 5 लीटर निकाला, तो दूसरा बार जब निकालेगा तो दूसरा बार कुछ वाटर भी तो निकलेगा। देखो पहला बार फर्स्ट टाइम है, इसमें सिर्फ स्पिरिट है, तो अभी निकालेगा तो 5 लीटर सीधा स्पिरिट निकल गया और 5 लीटर पानी मिल गया। जब दूसरा बार 5 लीटर निकालेगा तो स्पिरिट भी निकलेगा कुछ और कुछ वाटर भी निकलेगा, ठीक है। वाटर भी इसमें मिल गया सेकंड टाइम बार में। तो जब ऐसा दो बार किया तो बताइए कि स्पिरिट कितना बचा है अभी, दो ऐसा दो बार करने पर स्पिरिट कितना बचा है, तो उसके लिए एक सीधा फॉर्मूला लगाना है, क्वांटिटी लेफ्ट आफ्टर एन ऑपरेशन, ठीक है। टोटल क्वांटिटी कितना था मेरा, 50 था। वन कितना निकालते हैं हम एक बार, 5 निकाल रहे, टोटल क्वांटिटी कितना है 50 है। के बार किए है ये एन जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, दो बार किए है। सॉल्व करेंगे 50 ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो 10 से एक हो जाएगा तो 9/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 50 × 81 × 100 इसे हो जाएगा दो बार में, अब 81/ कितना हो जाएगा मेरा 40.5 लीटर मेरा स्पिरिट बचा है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, सवाल को पढ़ना है और सॉल्व करना है। ठीक है, यस सर। आया ना कि रुके इसमें? नहीं सर, समझ गए, बुझा गया। अब देखो ऐसा ही सवाल एक और है, बोला है 4 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ मिल्क, एक कोई कंटेनर है उसमें पूरा मिल्क है और 4 लीटर निकाला गया और पानी मिला दिया गया, ठीक है। एक बार करेगा तो समझ में आ जाएगा कि इसमें 4 लीटर वाटर है और बाकी रिमेनिंग मिल्क है, बट ऐसा दो बार कर दिया गया, दूसरा दोबारा जब करेगा तो थोड़ा सा वाटर भी निकल जाएगा इसमें और फिर इसमें और वाटर ऐड होगा मिल्क के साथ। पहला बार में वाटर भी निकल जाएगा, सॉरी पहला बार, सेकंड बार में कुछ मिल्क भी निकलेगा और वाटर, मतलब ऐसा 3 बार कर दिया, ठीक है। तो जब 3 बार करने के बाद बोला है कि कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो ये है फाइनल रेशियो, तो हाउ मच मिल्क डिड होल्ड टोटल कंटेनर होल्डिंग, मान लेते हैं कि टोटल क्वांटिटी मेरा कितना, टोटल क्वांटिटी मान लेते हैं हम लोग, पता कैसे चलेगा 16 + 16x + 65x, 6 × 5 = 11, हाथ में 1 81x टोटल क्वांटिटी है, क्योंकि जब वाटर और कंटेनर वाटर और मिल्क जब, फिर भी तो अभी इतना रेशियो टोटल क्वांटिटी तो वही होगा ना, प्योरिटी भले डाइल्यूट हो गया पर टोटल क्वांटिटी यहीं से पता चलेगा ना। नहीं समझ में आया? अब देखो, अब जब उसमें
हमारा मिल्क पूरा क्या था, पहले मिल्क था ठीक है, पूरा मिल्क था, पानी मिलाया गया तो हम लोग कितना मिल्क बचा वही देखते थे, मतलब कितना ऑपरेशन के बाद क्या फॉर्मूला था हमारा, क्वांटिटी लेफ्ट आफ्टर एन ऑपरेशन ठीक है। हाँ तो क्वांटिटी आफ्टर एन ऑपरेशन कितना लेफ्ट किया है हमारा, अगर हम लोग मिल्क का बात करें तो मिल्क कितना लेफ्ट किया, मिल्क हमारा लेफ्ट लेफ्ट किया है 16 यूनिट ना, हाँ 16 यूनिट मिल्क लेफ्ट किया है। इस जगह पे क्या आता था टोटल क्वांटिटी का फॉर्मूला, टोटल क्वांटिटी इनटू करते हैं, टोटल क्वांटिटी कितना है 81x, फिर 1 माइनस कितना निकालते थे 4 ठीक है, आउट बाई टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी यही निकालना था। अब इसको ऐसे मान लेते हैं बाई इंटू 3 क्यूब का, बोला टोटल इसलिए कितना था ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं यहाँ से x x हट जाएगा तो यहाँ भी 81x मानने से बढ़िया डायरेक्ट टोटल क्वांटिटी ही मान लेते, फॉर्मूला यही था। देखो फॉर्मूला एक बार देख लो ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया ये ये कटा, ये क्या हो जाएगा 16/81 ठीक है इज इक्वल टू 1-4/tq का क्यूब ठीक है, ये क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा 16/81 का इज इक्वल टू 1-4/tq ठीक है, ये ऐसा ही नंबर देगा कि यहाँ पे कुछ तुम्हारा क्यूब निकल जाए तो ये 2 का हो जाएगा, नहीं 2 2 4 4 2 8 2√2 होगा, और क्या बोलते 3√2, एक मतलब कहीं गलती किए होंगे 3 मोर टाइम्स, मतलब टोटल 4 बार किया, एक बार किया और 3 मोर टाइम्स टोटल 4 बार किया ठीक है। देखो यहाँ पे 3 मोर टाइम्स तो पावर 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 इस जगह भी 4 तो इस जगह भी 4 तो यहाँ पे इस जगह भी हो जाएगा 4 ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1-4/tq, तो यहाँ से टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी कितना होगा 2/3 अच्छा 1-, कर ही देते हैं ना इसको, इतना क्या हुआ है तो सॉल्व कर ही देते हैं। इधर अगर ये अगर 4/tq हो जाएगा और ये 1-2/3 हो जाएगा तो 4/tq इक्वल टू 1/3 तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगा मेरा 12 लीटर ठीक है, टोटल क्वांटिटी 12 लीटर, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन रहा इसमें पे। तो इतना करने में तो भी 2 ही नंबर मिलने वाला है, मगर एग्जाम में आएगा तो बनाना ही है। लास्ट सवाल देखो, अब उस सवाल और इस सवाल डिफरेंस क्या, इसमें तुमको जो क्वांटिटी रहेगा ठीक है शुरू में कुछ रेशियो में दिया होगा ठीक है, तो उससे हमको पकड़ना है, और फाइनल तुमसे क्या पूछा है उस फाइनल तुमसे रेशियो ही पूछेगा तब ये फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन ओरिजिनल सॉल्यूशन बोला 20 लीटर ऑफ वाटर मतलब देखो उसमें पहले क्या था, प्योर कंटेंट होता था या तो स्पिरिट होता था या तो वाटर होता था या तो हमारा क्या होता था मिल्क होता था इनिशियल फेज में कंप्लीट ठीक है, बट इसमें इनिशियल फेज मिक्सर ही है, इसमें इनिशियल फेज में प्योर कुछ नहीं दिया, इनिशियल फेज में तुम्हारा मिक्सर ही दिया हुआ है। देखो 20 लीटर ऑफ मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंट्स इतना इतना ठीक है, 10 लीटर ऑफ मिक्सर निकाला गया है और रिप्लेस किया प्योर मिल्क से ठीक है, तो अब देखो फिर अब जब मिल्क डाल रहा है तो जब मिल्क डाल रहा था हम लोग वाटर कैलकुलेट करते थे, ये पता है ना जब वाटर डालता था तो कितना मिल्क बचा वो देखते थे, तो अब इसमें और मिल्क मिला रहा है तो वाटर कितना रिमेनिंग है उसको देखेंगे ठीक है। तो
वाटर अभी कितना लेफ्ट है वो तो निकालना है, वही तो निकालना है हम लोग को ना. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर. करते सॉल्व इसको. अब तो तुमको भी शायद पढ़ने मन नहीं कर रहा होता लंबा लेक्चर के बाद. एडवांस मोर एट द एंड ऑफ द टू रिंग नूडल एंड द प्लेट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर. ओके देखो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर 20 लीटर मिक्सर है जिसमें मिल्क कितना होगा 3 और वाटर कितना है 2, ठीक है. तो ऐसा है तो मेरा 5 है ना, तो 3 out of 5 into 20 इससे जाएगा ये 4 बार में, मतलब 12 लीटर हमारा क्या है मिल्क है और वाटर हमारा 8 लीटर है, ठीक है. लिख लेते हैं हम लोग, हमारा मिल्क है 12 लीटर और वाटर 8 लीटर. बोला वाटर बचा कितना है नहीं पता, लिख देते एक्स लिख देते हैं, ठीक है. इनिशियल सॉल्यूशन में वाटर कितना था 8 लीटर. 1 माइनस अमाउंट ऑफ मिक्सचर रिप्लेस कितना कर रहा है 10 कर रहा है. टोटल क्वांटिटी कितना था 20 लीटर था. के बार किया गया है 2 बार, 2 बार, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2. अब 1 से 1/2 जाएगा तो हाफ बचेगा, हाफ का स्क्वायर एक्स बाई 8 इज इक्वल टू हाफ का स्क्वायर 1/4. x is equal to 2. तो यहां से ये जाएगा 2 बार में x is equal to 2 लीटर, ठीक है. हाँ x is equal to 2 लीटर हमारा सॉल्यूशन में मतलब बचा है अब वाटर. तो अब मिल्क कितना हो गया, मिल्क कब हो गया 18 लीटर. देखो पीछे का दो सवाल था वो इजी था, बट इसमें समझना क्या है, इसमें तुमको इनिशियल फेज में प्योरिटी प्योर चीज नहीं देगा. इसमें ये फॉर्मूला तुमको कब अप्लाई करना है, जब तुम्हारा मिक्सर देगा सीधा देगा, जब तुमको मिक्सर देगा. तो इनिशियल फेज में तुमको मिक्सर दे दिया है, ठीक है. और जब और मिल्क मिला रहा है तो वाटर को लेकर बनाएंगे, अगर वाटर मिलाता तो यहाँ पे मिल्क को लेकर बनाएंगे, ठीक है. इसको जब रिवीजन करोगे तो आराम से मुझे इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए. आज का लेक्चर यहीं पे, ठीक है. कोई दिक्कत है यहाँ पे सर? हम लोग रेशियो नहीं निकाले तो निक, ठीक है कोई बात नहीं. रेशियो नहीं निकाले तो हमारा ये वाटर लेफ्ट कितना था 2, तो हमारा 18 लीटर ये हो जाएगा, तो 1:9 आ गया. नहीं 9:1, क्योंकि यहाँ पे पहले मिल्क बोला, ये मिल्क तो 18 लीटर है ना, तो मिल्क बोला है वाटर बोला, इसी में गलती हो जाता. तो मिल्क का समझ में क्या आप कहना चाह रहे हैं? हाँ. ये है मेरा वाटर बाय मिल्क, ठीक है. तो 1:9 वाटर बाय मिल्क है, बट यहाँ मिल्क बाय वाटर बोला है सवाल में. देखो सवाल में बोला है मिल्क बाय वाटर, मिल्क बाय वाटर 9:1 बोलेगा. आया? तो इतना हाई लेवल कम चांस है देने का, मैं अगर कोई भरोसा नहीं है दे भी सकता है. इसलिए फॉर्मूला याद रहने से तुरंत बन जाएगा, उतना टफ नहीं पड़ेगा. 2 फॉर्मूला तो आदमी याद कर ही सकता है एक चैप्टर. इस चैप्टर से क्या 2 ही फॉर्मूला तो है. चलो आज बहुत ज्यादा खतरनाक लेक्चर हो गया, डॉगी भैया सब आकर डिस्टर्ब किया है, ठीक है. आज बहुत क्या डिस्टर्बेंस हुआ, डिस्टर्ब तो हुए हम भी. अब भैया फोन इस एक फोन में छोड़ते है, दूसरा फोन में कर रहा है. बाहर आया हुआ था, अब रांची जा रहा था, सोचा 3-4 बोरा आम लेके जा रहा था, पता नहीं कहाँ से लाया था. एकदम पेड़ का लो आम लाता है, पेड़ का पका आम, ठीक है. मस्त मस्त आम लेके दिया, आया खाया जाएगा. अभी खाना बनाना है, कपड़ा धोना है,
बहुत काम है अभी। ऑलराइट नहीं छोड़ो ठीक है, बहुत रात है, बहुत समय है मेरे पास। गुड नाइट, थैंक यू सर।